मुझे नहीं पता नहीं। खरीदते ही क्यों जिसको तुझे पता ही नहीं। वापस करा सारा सामान चल। तेरे को समझाया था ना कि कोई भी सामान खरीदने से पहले चेक करा कर। तेरे को समझ में नहीं आती है। मम्मी देखो तेरे को वीडियो बन रही है। ये छोटा है मुझे मारना। देखो मम्मी गलती करा तो मारूंगा नहीं। आपको पैसे बर्बाद किए पानी की तरह बाहर है। सोच रहे पत्ते तो पेड़ बोलते हैं। गरीब जा कर। गुड मॉर्निंग फैमिली। और क्या हाल है मेरे भाई के? भाई सबके हाल बहुत बढ़िया होंगे। सबके हाल चाल और कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों आज का वीडियो है कि यार अभी मेरे को एक पार्सल रिसीव हुआ है। वैसे तो हो ही जाते कभी एक बार, पर आज बहुत दिनों बाद रिसीव हुआ है। ठीक है और देखते हैं भाई आज पार्सल में क्या है। सबसे पहले दादा को पार्सल मिला और उसके बाद ये पार्सल मेरे को मिला है। ठीक है, दादा ने बोला कि ले जाओ। क्या है इसके अंदर बताना मेरे को। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा पार्सल और इसको करने चलते हैं अनबॉक्स। कौन सा पार्सल? पता नहीं भाई, अपने को क्या पता है। बुला फिर ललित को, बुला। चल मैं कॉल कर देती हूँ उसको। तो ये तो ललित का ही फोन है। तेरे फोन पे कर देती हूँ। लिली शायद तेरा पार्सल आया जिसका तू वेट कर रहा था। एक बार आ जा। हाँ मैं भी आ रही हूँ, साथ में मिलकर अपलोड कर लेंगे। पहले आ। हाँ हाँ आ जा, कोलाई में ही हूँ। तो दोस्तों ललित भैया वीडियो अपलोड कर रहे हैं और हम लोग को भाई अभी भी पार्सल रिसीव हुआ, तो हमने बोला कि क्यों ना भाई आज तगड़े में एक पार्सल खोला जाए। भाई जो तेरा पार्सल है वही है मेरे ख्याल। ओहो हो, एक और ललित का दोस्त भी आ गया भाई। क्या लले? नाम लिखा? कुछ लिखा नहीं। बाहर डब्बे पे कुछ नहीं लिखते लल्ला। अब देख मैं ये दुनिया की दोबारा। चाकू का? अच्छा ये रहा चाकू। ले चाकू में सब्जी लगा रखी है। कटी सब्जी है उससे। तो क्या बॉक्स को खोलते हैं भाई, देखते हैं। मैंने ऑर्डर तो बहुत कुछ किया था पर क्या आया है वो देखना जरूरी है। पर यहाँ तो कुछ वायरलेस लिखा हुआ है कि वायरलेस है। दोस्तों बॉक्स से बटने की कोशिश ना करें क्योंकि मैंने एड्रेस हटा दिया है। काफी लोग जूम कर करके स्क्रीनशॉट ले लेके देखेंगे। तो भाई मैंने एड्रेस हटा दिया है भाई इसी चक्कर से। हाँ हाँ सब तेरा एड्रेस ढूंढ रहे हैं। नहीं भाई मैं हटा देता हूँ भाई कभी भी। ये तो लग रहा है मेरे को तूने तो बिल भी फाड़ दिया। ये आया है मेरा फोनवा। फोनवा लुक्स लाइक तू देखना मैं बिल देख लेती हूं। चलो ठीक है। ये तो ये कौन सा नकली था? चाइनीज फोन मंगा लिया बे। चाइनीज फोन नहीं है, रिफर्मिश्ड फोन है। इसमें फोन के डब्बा का ऊपर मतलब नाम नहीं आया है पर ये है फोन है। पर ये सस्ते में मिलता है ऐसा फोन। अच्छा हम है थोड़े कंजूस आदमी। अच्छा वो वाला रिफर्मिश जो हम पहले मंगा। तो ऐसा होता कि रिफर्मिश फोन है। रिफर्मिश फोन में ऐसा होता कि जो फोन आपको 18-20 हज़ार में मिलेगा वही ना वही फोन आपको 15,000-14,000 में मिल जाएगा वही फोन। तो दोस्तों रिफर्मिश फोन की तो यार कहानी बहुत लंबी है ना अंजलि। तो भाई हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी यूट्यूब की वो भी इसी बिजनेस भी किया था हमने उसके ऊपर। हाँ तो भाई थोड़ी सी आपको इसको स्टोरी बताएगी अंजलि दीदी और फिर बताएंगे ललित भाई। सवाल है भाई अंजलि, सबसे पहले कौन सा हमने रिफर्मिश फोन लिया था? हमने लिया था रेडमी का ही लिया था ना, नोट 5 लिया था। मार गिरा के मार इसको। 5 प्रो नहीं था। अब ललित भाई बताएंगे। रिफर्मिश हमने सबसे पहला फोन लिया था। अरे नहीं मम्मी का लिया था। रुक तो जा बता ललित का। तो वो जी वाला था रिफर्मिश? नहीं फर्मिश नहीं था। अच्छा वो लिया था यार। क्या लिया था? इनफोकस। इतने गिरा के मारूंगा। इनफोकस भी नहीं लिया था हमने। अरे MI 4i लिया था भाई। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे है ना ललित भाई, आप बिलीव नहीं करेंगे कि यार कि जो अभी आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं ना उससे घटिया कैमरा था भाई इस फोन का। और हमने उससे यूट्यूब वीडियो शुरू करी थी भाई। मतलब वो फोन तो आज भी हमने संभाल के रख रखा है। एकदम है भाई वो अभी भी है मेरे घर में। चलता भी है वो, चलता भी है। हाँ ठीक अभी भी लाके भी रखी। वो खराब होकर रख रखा है। जब खराब हो तो उसको सही करवा लेता हूँ, जब खराब हो जाएगा तुझे नहीं करा भाई। आप मुझे बता, आप इंतजार कर रहे हो डब्बा खोलो यार बताओ कौन सा फोन है अंदर। तो भाई ये कोई आईफोन या कोई वैसा फोन नहीं है, बहुत खतरनाक। पर ये है कि फोन का मतलब क्या होता है कि काम करना है उसमें, फोटोज मतलब क्लिक हो जाए, वीडियोज बन जाए और आपका नॉर्मल जो काम होता है वो काम हो जाए। भाई आईफोन लेने के बाद यार एक्सपेंस बढ़ जाता है उसका यार खर्चा। नहीं आईफोन जो ले रहा है तो ब्लॉग सिक्योरिटी ठीक है, पर तभी भी अभी लोगों ने सिक्योरिटी तोड़ दी है भाई। पर ठीक है भाई एप्पल का भाई जो ब्रांड वैल्यू बना रखी है उसने भाई उसके लिए। अरे जिसको लेना है अरे खर्चा करो यार जिंदगी एक ही बार। भाई मुझे भाई गिफ्ट कर दे यार जिसके पास आईफोन 11 हो, जिसने 12 करी था मुझे गिफ्ट कर दे भाई। एड्रेस दे दूंगा तेरे को यार। तो भाई एक बात है, तो फिर तूने फोन मम्मी के लिए मंगाई अपने लिए?
कोई भी ले ले भाई, हमारे घर में कोई भी ले ले फोन। फोन तूने मंगाया क्यों फिर? फोन मैंने इसलिए मंगाया कि मेरा जो एक फोन, वैसे तो मैंने दो फोन मंगाए हैं, तो अभी एक ही आया, तो अभी आपको दो क्यों मंगाए फिर? एक स्पेशल है, एक स्पेशल है और बताया जाएगा वो किसके लिए। एक फोन तो मेरा इसलिए मंगाया मैंने कि मेरा जो फोन है वो उसका पता नहीं क्या हो रहा है कि वो कभी चार्ज उसको करके रख रहा हूँ तो चल रहा है, चार्ज हटा दे रहा हूँ तो बंद हो जा रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है, पूरे टाइम पावर बैंक लगा के रखना पड़ रहा है, 10 मिनट भाई चलाने के बाद तो इसका डेड हो जा रहा है। इसलिए मैंने बोला कि भाई यार कुछ नया दूसरा फोन मंगा लेते हैं, क्योंकि इस फोन को यूज करते करते 4 साल के अराउंड हो चुके हैं, 4 साल से इसी फोन को यूज कर रहा है। कौन सा फोन है ये? ये फोन है नोट 5, रेडमी नोट 5 प्रो 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 है, प्रो है। ये आप कवर देख के लग रहा होगा नहीं, 5 प्रो नहीं है, 6 प्रो है, कवर देख के आपको लग रहा होगा कि झूठ बोल रहा है, फोन तो बहुत नया लग रहा है। कवर भाई अभी खरीदा था जब बैंगलोर जा रहे थे। ओबे ये क्या हो रखा है रे, इस किसके अंदर से देखो क्या हाल हो गया इसका, इस वजह से ही ऐसा हो अच्छा गया। इसकी बैटरी फूल गई है। हाँ, बैटरी फूल गई तो ये 4 साल इसको हो चुके हैं, अभी इसको रिपेयर करा लेंगे, जब वापस हम कभी दिल्ली जाएंगे तो रिपेयर करा लेंगे, पर अभी गाँव में कोई ढंग से रिपेयर करता नहीं है, इसलिए हमने बोला कि नहीं भाई। भाई दिल्ली में ट्रस्टेड शॉप है भाई कि मैं सारे फोन इसी रिपेयर कराता हूँ। तो भाई ये चीज तो हो गई कि मैं फोन, अब ये है कि मेरा नया फोन इसकी खुशी है, तो ये नया फोन हमने खरीदा है तो अभी इसको इस्तेमाल करेंगे, तो अभी इसको ओपन करते हैं। वैसे कितने का फोन है, कितने में खरीदा है? देखो भाई ये फोन है 18-19 हजार रुपए का फोन है, 14 हजार रुपए में मिला है, 4 हजार सस्ता। हाँ 4,000-5,000 रुपए सस्ता। तो इसमें फायदा ये है कि भाई ये जो फोन रहते हैं ना, जैसे ऐसा होता है कि जैसे फोन पर्सन ने लिया और उसको ना 1-2 दिन में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो सर्विस सेंटर उस फोन को वापस ले लेते हैं, तो अब सर्विस सेंटर वाले उसका सब कुछ चेंज करके और दोबारा से क्वालिटी चेक में भेजकर उसको ठीक करते हैं, और उसके बाद आपको इसमें 12 मंथ की आपको वारंटी वैसे भी मिलती है, आप नए फोन लेंगे उसमें भी मिलेगी, तो इसमें 12 मंथ की वारंटी है। 6 मंथ की नहीं, यहाँ 12 मंथ भी लिखे हैं भाई, 6 मंथ ब्रांड वारंटी होती है और 12 मंथ मैंने इसको देखा था, 12 मंथ लिख के थे वहाँ पर लिखा हुआ मेरे ख्याल से, सिक्स मंथ की वारंटी होती है। तो भाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम इसमें आती नहीं, क्योंकि मैंने आज तक इतने सारे फोन यूज किए हैं कि भाई बहुत सारे यूज किए हैं, वो ईएमआई का है कि 12 महीने का आप ईएमआई बना सकते हैं, थोड़े दे सकते हैं वैसे करके। तो अभी तो ये फोन है कौन सा? ये फोन है रेडमी 9 प्रो मैक्स, क्योंकि मुझे ये फोन लगा डिसेंट है और भाई ज्यादा खर्चा करना बेकार लगा मुझे। भाई जब भी ईएमआई की बात आती है ना, मुझे ना मेरे दोस्त की याद आ जाती है, एक बार वो ना नाइकी के शोरूम में गया। भाई देखो भाई वो सब बात छोड़, अरे सुन तो सुना तो सुना। अरे बड़ा मसल्ले, वो गया नाइकी के शोरूम में और ना कंगाच में जूते रखे हुए थे, मतलब तो उसने सोचा कि ये अलग क्यों है। उसने पूछा कि भैया इसका रेट क्या है, तो उन्होंने बोला कि सर 40% डिस्काउंट है 60,000 के। 40% डिस्काउंट पहले बोला? हाँ सर 60,000 ओनली। ओके तो फिर वो ना मतलब वो मतलब भाई क्या बोलूँ मैं, फिर लास्ट में तो क्या बोल रहे हैं भैया इसकी ईएमआई हो जाती है क्या। तो जूते की ईएमआई हुई? नहीं वो पूछ रहा था कि क्या जूते ईएमआई पे मिलते हैं दोस्तों, मेरे को तो नहीं पता। मैंने बोला कि देखने क्यों गया था जूते। नहीं नहीं अब मैं क्या बोल रहा था, ठीक है अगर मिलते हैं जूते ईएमआई पे तो एक बार बताइएगा जरूर। भाई मजे ले रहे थे उससे कि देखने क्यों गया था। मैं बोल ही नहीं रहा, बोल मत बोल बोल। मैं बोल रहा हूँ पापा मम्मी इतने मेहनत से पैसे कमाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई सस्ता सा फोन खरीद लो, है क्यों भाई ज्यादा खर्चा करूं, कीपैड खरीद लेता बेटे इतने पैसे की फिगर है तो चोरी कर लेता चोर बाजार से। भाई ओ चुप ना, मुझे ऐसा भी था ना भाई जिससे यार फोटो वोटो ये सब चीजें वीडियो हो सके, कभी शॉर्ट्स बनाना मतलब कोई चीज करनी हो तो उसके लिए मुझे कोई फिर दूसरा फोन ना ढूंढने पड़े, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छा डिसेंट फोन लेना बढ़िया है। तो अभी इस फोन को ओपन करते हैं भाई, इतनी यार बकवास ये करता है मैं नहीं करता ये, इसको ओपन करते हैं भाई, मेरा काटने का स्टाइल तो ऐसे काट देंगे ऐसे ही और ऐसे ही, और ये सारा कूड़ा है इसको रिसाइकल करने के लिए लड़की को भेजेंगे। दुकान खुली हुई है, सील तोड़ दे, ये काट दिया हमने। अब भाई फोन देख लेते हैं फोन को। ओ भाई साहब थोड़ा सा शिफ्टिंग बड़ी हो रहा है क्योंकि धूप आ रही है वहाँ पे, से मच्छर काट रहा है, सब काट रहे हैं अभी भाई, इतनी ज्यादा जहर पैकिंग की है कि इसमें से जहर निकल रहे हैं। ये देखो भाई चर चर, चर।
चार। देख रहे भाई ये निकला भाई फोन, ये सही हो गया भाई, बॉक्स ऐसा दिया है तो यार मेरे काम आ जाएगा कोई सामान वामान रखने के। आप देखो भाई इसमें बंदों को शायद ना फोन भी इतना बढ़िया ना लगे जितना अच्छा लगेगा इनको कवर पटाके फोड़ने वाला बबल रैप, ये भी काम आ जाएगा मेरे। देखो भाई ये है अपना फोन Redmi Note 9 Pro Max, ये है ऐसा फोन दिखता है भाई, डिसेंट है, USB-C टाइप है, सब कुछ है, बढ़िया है, मतलब एकदम टकाटक बढ़िया फोन, सस्ते में बहुत तगड़ा। देखो भाई लुक देख लो, लकी भाई लुक दिखाओ थोड़ा कैसा लग रहा भाई यार, इस पे तो फिंगरप्रिंट आ जा रहे हैं नया फोन उसने आता है नकली फोन ले लिया इसने तो, देख पीछे फिंगरप्रिंट दिख रहा है, कैसा लग रहा है फोन यार, ज्यादा खर्चा करेगा तो भी बढ़िया नहीं है। अच्छा देख ले सही है तो भाई साहब, ये तो जादुई फीचर है, ये देखो इसमें रखा और ये देखो हट गया इंसान और जो गंदा हो गया फोन वो नहीं देख रहा है देख रहे क्या फीचर है, देखो भाई फिंगरप्रिंट मेरे मिट जा रहे हैं, ऐसा फोन में नहीं मिलता भाई। अब और चीज देख लो ये क्या है, ये पिन है भाई सिम लगाने के लिए, ये है कि अपना वारंटी कार्ड आधार कार्ड और यहाँ पर अब आ गया हमारे पास एक बैटरी नहीं इसको बैटरी थोड़ी ना कहते हैं, अडैप्टर है ना, ये है अडैप्टर, इससे चार्ज होगा। ओ भाई 3.0 ऐसा कुछ है, क्या पता फास्ट चार्ज हो क्या हो मुझे नहीं पता, इतना डिटेल में भी होगा तो बता दूंगा, कभी बोलोगे तो बना दूंगा। यहाँ पर आ गया ये हमारा USB-C टाइप चार्ज, इसी से चार्ज होगा फोन, और कुछ है कवर नहीं दिया यार, 100 रुपए घाटा हो गया यार, 100 रुपए घाटा हुआ भाई, कवर नहीं है, कवर नहीं दिया है, चल कोई नहीं ले वो पन्नी कहाँ गई। तो देख लो भाई मिला जुला के ऐसा है ये हमारा फोन, कैसा फोन लग रहा है आपको कमेंट में लिख के बताना, पर आपको मैं दूंगा नहीं ये फोन बस लिख के बता। लली सुन तो भाई इसको पीछे रह से चिपका ली करके, जो ये फोन को जीतना चाहता है वो कमेंट करे, पर मैं फिर भी नहीं दूंगा जो ये फोन खरीदना चाहता है ना हो जाके खरीद ले, ठोक दो लाइक दबा दो महाकाल मच्छर बहुत तेज काट भाई, कैमरा 64 मेगापिक्सल है पर कैमरा भी टेस्ट करना पड़ेगा मुझे कितनी बढ़िया ऑन तो कर, ऑन तो कर, बैटरी नहीं है क्या। अच्छा ये देख रहे हो गरीब है, ऑन करके तो देखा ही नहीं यार, क्या पता आज ना चल रहा हूं, डमी दे दियो खुश हो रहा है, फोन आ गया फोन आ गया भाई नए फोन की खुशी होनी चाहिए, तो जिंदगी में आपको क्या रखा है खुशी, किसी चीज की तो मनाओ, हर चीज में निराशा, हर चीज में दुखी दुखी मुंह बना ऐसे करके क्या फायदा उसका जिंदगी का ना गोलू। सही लग, एक गोलू की टी-शर्ट के कलर का है ना, नहीं हाँ नहीं, इसमें तो सारे ही कलर लग रहे हैं, टी-शर्ट के कलर का है हाँ भाई ये फोन मुझे बहुत अच्छा लगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, फोन मैंने खरीदा पैसे मेरे गए, आपने तो वीडियो देख ली बस है, तो आपको भी अगर कुछ ऐसा करना है तो लाइक का बटन दबाएं भाई है, ऐसे ही सपोर्ट करें दुनिया को मतलब सबको अच्छा सपोर्ट करें, और ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, मतलब वीडियो देखते रहें बनाते रहें, फिर मिले या अभी कुछ और भी बोलेगा बता भाई, नहीं तो फोन ऑन करके दिखाना है, ये भी बात है भाई, ब्राइटनेस एक दो लकी की फोटो खींचूंगा एकदम तगड़ी सी उसको दिखाता हूँ गोलू भाई बहुत अच्छा फोटो खींचता है, पता नहीं कैसे फिल्टर भाई, फिल्टर का तो पता नहीं, उधर जाना स्क्रीन में जाना, फिल्टर का तो मुझे पता नहीं चलता भाई, इंस्टाग्राम बीच में कैसे फिल्टर मारा, मतलब कैसे फिल्टर डालते हैं मुझे समझ ही नहीं आता, ये गोलू भाई ने एक दिन फोटो ऐसी चकाचक बंदा ऐसा काले में बैठा मतलब अंधेरे में बैठा हुआ ऐसा चकाचक क्या कर दिया कि फोन में ऐसा फोटो लग रही है, वो फीचर अभी गोलू बताएगा आपको, वो फीचर भाई गोलू, मैं तो वो गोलू को उस दिन पैर छुआ मैंने गोलू के भाई नहीं भाई पैर नहीं छुआ था नहीं झूठी बात है झूठ बोल रहे भैया, अच्छा पैर छुआ भाई मैंने, पैर छुआ मन से छुआ तो भाई गोलू भाई का मैंने इतना टैलेंट देख के मुझे सोचा कि इसे इंडिया गॉट टैलेंट में भेजना चाहिए, क्योंकि ये बंदे ने इतना फिल्टर पर मैंने देखा, जब मैं नेट पे मैंने इंस्टाग्राम एक दो बार देखा तो मैं समझा ऐसा टैलेंट तो सबके पास है तो मैंने अपने बोले हुए वर्ड इससे वापस, तो कैमरे में था इंस्टाग्राम पे नहीं था वो कैमरे में, चल चल ज्यादा मत बोल अब करके दिखाओ क्या था, हम तीनों की फोटो खींचनी, आ जा इधर आ जा आगे सेल्फी ले लो सेल्फी लो। भाई गोलू को बहुत तगड़ा आता है, अभी आपको दिखाएंगे पहले कैसे फोटो, ऊपर वाला क्लिक करना दोस्त, ओके करना, चलो अब कैसे कर सकते हैं मुझे नहीं पता है, बता ही नहीं रहा
कोई नहीं कोई ये नहीं क्या भाई जादू हर चीज में दिखाना चाहिए। ब्लर कर रहा ब्लर। नहीं फिर भी नहीं आ रहा जैसे कि जैसे मैं किया था। नहीं यहाँ पे कोई एक और ऑप्शन आता है ये नहीं यहाँ पे कुछ दिखा अरे नहीं ये भी नहीं है तो लाइट टाइप दीदी वाले फोन में है वो। चल भाई फिर ऐसे ले ले तू छोड़ तू छोड़ कलाकारी में देख चुका ज्यादा तारीफ कर दी। ये देखो भाई क्या फोटो। अच्छा आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा मैं स्क्रीन पे लगा देना ऐसे करियो ये स्माइल क्या फोटो आ रही है नए फोन से नया फोटो थंबनेल भी दे दो मेरे को लगे हाथ ये फोटो स्क्रीन पे भी इधर भी देख लो कैमरे पे नया फोन खरीदा है बस है टीवी सारी। तो भाई देख लो हमारी फोटो कैसी आई है। अरे तो ब्लर ओ भाई साहब क्या लुक है भाई क्या लुक एंड फील लुक एट द फोटो गाइस क्या लुक आगे 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 यार कर रही व्हाट इज द कैमरा कैसे कैमरा आगे आगे फिल्टर आ गया उसको लग रहा है फिल्टर आ गया। अरे रिमोट ऑन बज रहे पैसे लगे हैं लेकिन किसी और के छोड़ मैं समझ गया तेरे को क्या है टेलीफोन में आ रहा है ओ बंदा अभी क्या बोला कि बताया जाए भाई यहाँ के भुट्टे दिख रहा वो बंदर ले गया वैसे भी नहीं दिख रहा वो बंदर मक्का ले गया। हाँ तो ये मक्का कोलाई का लेके गए कहाँ आएंगे क्या वो। हाँ सर क्या हाल है क्या हाल है भाग रुक तेरी मेरा भुट्टा मेरा भुट्टा लेके चला गया मैं सजाने भी नहीं दे रहा भाई फोन की फोटो दिखाने के चक्कर में बंदर ने मेरा सारे वो भुट्टे लूट लिए मैंने रखे थे चिड़िया के लिए पर चलो कोई खा रहा है तो बढ़िया ही है। तो हमारी फोटो आपने देखी कितनी अच्छी आपको लगी अच्छी नहीं भी लगी तो भी अच्छी है हमें नहीं पता अच्छी है। ये भी देख लो बहुत सारी बढ़िया बढ़िया फोटोज खींची हमने है आज गोल्डी आज तुम्हारे साथ भी फोटो खींच लो मेरा नया फोन है थोड़ा हंस के बोलना सबके साथ ले ले चार ले ले चार सारे आ जाओ वैसे भी ढोल बज रहे हैं ये तेरी ये। लड़के का फोटो नहीं खींचने आती है गोलू पास में जो बीच में मम्मी का डांस चल रहा है पीछे अच्छा फोटो लग रहा है। चल इससे ज्यादा बढ़िया कुछ फोन से इससे ज्यादा बढ़िया नहीं खींचा जा सकता। तो दोस्तों मुझे फोन बहुत अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा नहीं लगा तो भी लगा होगा ही वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर देना करना है कर दो वीडियो शेयर कर दो हर जगह फैला दो और ये फोन आपको खरीदना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से खरीद लेना मुझे बहुत पैसा मिलेगा कितनी बड़ी आंखों गिरे मेरी फिर चुप इतनी बड़ी तो आंख आई नहीं मेरी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में जब तक के लिए आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर हम मिलते हैं नई वीडियो में जब तक मैं अपनी आंखें और मुंह बड़ी कर करके देखता हूं इसके अंदर भाई बहुत बड़ी आंखों को ले ले यार ये देख इतनी बड़ी मेरी रियल लाइफ में आ गई है एलियन जैसा दिख रहा है। तो एक दिन ललित एक वीडियो बनाते हैं मोमो वाली सब मिल करके हम सारे एक दिन हम बनाएंगे अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो बता देना कमेंट में कि हम सारे लोग मिल के बनाएंगे मोमोज बनाएंगे वो भी ललित भाई पे क्योंकि मोमो इसको भी पसंद है गोलू को भी लक्की को भी और मुझे भी और इसको मम्मी को भी पसंद है भाई। तो यहाँ पे बनाएंगे हम सब मिल करके कौन सा मोमो बनाएंगे बताओ भाई आप बताना नहीं आपको बताना है तीनों कमेंट करना वेज मोमोज पनीर मोमोज चिकन मोमो चिकन मोमोज सोया मोमो दही मोमो कुछ भी कमेंट करो जो कमेंट करो उनमें चिकन बोलना यार हम लोग क्या क्या चाहते हैं लेकिन तू भाई चिकन वाले हाथ खड़े करो चिकन वाले हाथ करो तो चिकन ही बनेंगे सभी में राजी हूं अगर पनीर वाले हाथ खड़े करो हम तो नहीं है पनीर में कर देंगे हम तो चिकन वाले हैं कुछ भी तो मिल जाए ये तो सोचो कुछ तो सोचो जिंदगी में चलो फिर करते हैं बाय करो अबे कितनी बार बोलूं भाई लोग भी परेशान हो गए बाय बाय भाई बताना कितने वोट का जल्दी बाय करो बाय 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 मुझे नहीं पता कितने वोट खरीदते ही क्यों जिसको तुझे पता ही नहीं कितनी लाइन है इसके केबल की ये भी नहीं पता है बोल के नहीं देखा वापस करा सारा सामान चल
तेरे को समझाया था ना कि कोई भी सामान खरीदने से पहले चेक करा कर। तेरे को समझ में नहीं आती है मम्मी देख। तेरे को वीडियो बन रही है। खरीदना ये छोटा है मुझे मारना। देखो मम्मी गलती करा तो मारूंगा नहीं। आपको पैसे बर्बाद किए पानी की तरह बाहर है। सोच रहे ऐसे तो पेड़ बोलते पेड़ पे सिर्फ पत्ते उगते। ये करेंसी होती दोस्तों। मैं आपको देता और आप खुश हो जाते। तू देता नहीं ना। पेड़ लगा हुआ है लेकिन केले के पत्ते 1000-1000 रुपए के होते हैं। क्योंकि बड़ा नोट है वो। 2000 का होता ना। नहीं उससे ही बड़े पत्ते। सोचो कैसी होगी आज की दुनिया। कैसा लगेगा कि पत्ते चलेंगे आप होंगे उधर से वो आपको देगा। देख ये रे 5 रुपए के ये 10 रुपए के। नहीं ये 20 के होंगे ये 10 के होंगे और उसके 100 के होंगे। देखिए 100 के अलग ही दाम होंगे। फलों के दाम तो सोने से भी ज्यादा। हां वो पर्ल्स जैसे डायमंड वगैरह होते हैं ना वैसे। भाई बीज तो भाई मतलब ऐसे बिकेगा जैसे कि कोहिनूर का हीरा ऐसे बिकेंगे बीज।